सो है गाइस, आई एम डीप फ्रॉम डीप गेमर जवाइटी। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद है कि आपका ये साल भी बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। सो बाकी आज हम लोग एक न्यू गेम ट्राई करने वाले हैं जिसका नाम है सेंट रोज फॉर री इलेक्टेड। सो इसमें हम लोग एक प्रेसिडेंट सोच रहे हो गाइस, तुम्हारा भाई इस गेम में प्रेसिडेंट है क्या? मतलब रियल लाइफ में मुझे घंटा कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, इसलिए मैं गेमर बना और ये गेम खेल रहा। सो बाकी का मजाक हम लोग साइड में रखते हैं और हम लोग अभी अपने ऑफिस चलते हैं और देखते हैं हम लोग को क्या वर्क ये सब करना पड़ता है। सो गाइस, यहाँ पे फुल बॉडीगार्ड ये सब खड़े हैं और हम लोग यहाँ से चलते हैं रेड कारपेट से एकदम फुल चौड़ में। सो हम लोग जल्दी से चलते हैं और हम लोग को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है। सो गाइस, इतना पॉपुलर हुई मैं कि लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाते रहते हैं और मुझे इंटरव्यू देना पड़ता है। सो बाकी यहाँ पे ये कोई हेल्थ मिनिस्टर या कोई है और ये मुझे बोल रहा है कि आप कैंसर ठीक करवाना चाहते हैं कि भूख को पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं। तो मैं तो कैंसर ही ठीक करवाना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजर बीमारी है। बाकी जो लोग खाना चाहते हैं वो तो मेहनत करके पैसा कमा के खा ही सकते हैं, तो कैंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए था। बाकी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये एक नूबड़ा कहीं का ये अपने बाप को सिखा रहा है कि कैसे क्या करना चाहिए। बताओ, मुझे सिखाएगा तो पड़ेगा तुझे, रुको बताता हूँ। सो हाँ भाई, बकले बकले क्या चपड़ चपड़ कर रहा, मार यार इसको, मार मार। हाँ अब आया ना मज़ा, नूबड़ा कहीं का मुझे सिखा रहा है। सो हम लोग आगे चलते हैं और गाइज यहाँ बैकग्राउंड में नॉइस आएगा क्योंकि गाइज मैं दूसरी जगह पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए गाइज थोड़ा नॉइस आएगा, तो इस बार थोड़ा माफ़ कर देना यार। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे, हाँ यार पता नहीं ये क्या बोल रहा था, मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन चलो हम लोग आगे चलते हैं। और गाइस ये कि यहाँ पे हम लोग का म्यूजिक ट्रेन आ रहा था और यहाँ इसे मार दिया, बुरा लग रहा है यार। बेचारा मेरा फैन था, मिलने आया था, कोई बात नहीं, लेकिन बॉडी गार्ड एकदम फुल थक लाइफ में, क्या ही बोलूँ। सो हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे सब कोई बोर हो रहे हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है यार, बोर तो होंगे, उतना कुछ खास सवाल ये सब तो पूछते वूछते हैं नहीं ये लोग। सो बाकी हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सो गाइज हम लोग यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं लेकिन ये पता नहीं कौन है और ये मुझे रोक रही है और बाकी ये बोल रहे हैं कि कुछ सीरियस मैटर है। सो सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है तो इस पर थोड़ा ध्यान दे दो। सो गाइज ये बोल रही है ना कि यहाँ पे एलियन का अटैक हो गया सच में और ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। सो गाइज एलियन का बात कर रहा है तो कोई मानेगा यार कि ऐसा सच में हो सकता है? इसलिए गाइज मैं भी नहीं मान रहा था। सो गाइज बाकी हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते और चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू देने के लिए। बाकी बाद में जो देखा जाएगा, अरे यार ये तो लगता है सच में एलियंस है यार। ओ भाई साहब, गाइज ये तो सच में एलियंस आ गए, इनकी एंट्री तो बहुत ज़्यादा खतरनाक। और गाइज ये विलन एकदम क्या ही बोलूँ यार, खतरनाक लग रहा देखने में। सो देखने में तो ये कुछ ज़्यादा ही डेंजर लग रहा, हम लोग पता नहीं कुछ कर भी पाएंगे या नहीं इसके सामने। सो बाकी ये यहाँ पे क्यों आया यार, पता नहीं इसका मकसद क्या है। Today, the best and brightest among you will find salvation within the Zin Empire. I'm smarter than all these people. Delightful. I do love your spirit, my dear. I'm Zinyak. A pleasure to meet you. Would you like to join me for a ride? सो गाइस पता नहीं ये लोगों को ऊपर कहाँ पे लगता है अपने स्पेसशिप में लेके जा रहा है और ये लोग मुझे छोड़ भी नहीं रहे कि मैं बचा पाऊँ ये लोग को। सो गाइस बाकी हम लोग को अब ये इन लोगों से छूटना पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे कंट्री के लोग अब मुसीबत में। सो गाइस हम लोग जल्दी से ऑफिस में चलते हैं, वहीं पर हमें कुछ गन वन ये सब मिलेगा। सो गाइस हम लोग जल्दी से दौड़ के चलते हैं, अरे रास्ता साइड यार। सो हम लोग जल्दी से दौड़ के आ गए और यहाँ पे देखते हैं कि गन वन कहाँ पे रखा हुआ है। अरे गाइस ये तो सीक्रेट जगह था यार। ओ भाई साहब, गन ही गन है यहाँ पे, ये सब तो इतने कुछ खास नहीं है लेकिन ये वाला गन थोड़ा खतरनाक लग रहा है एकदम बीच से। हम लोग जल्दी से चलते हैं यहाँ पे। हम लोग को जिधर जाने को बोला जा रहा है हम लोग उधर से ही चलते हैं। अरे गाइस यहाँ पे भी इसे उठा लिया, अरे भाई एक को तो रहने दो, सबको उठा ही ले रहा था। हम लोग जल्दी जल्दी से इन्हें मारते हैं तो ये भी उसके एलियन के ही बंदे।
सो हम लोग इसे मतलब पहले फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो हम लोग जल्दी से आगे चलते, और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन हो गया है, पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बर्बाद कर दिया मेरा यार, कितना अच्छा इंटरव्यू देने आया। और यहाँ पे फिर से एक ब्लास्ट, और ये लोग को भी उठा रहा। अरे भाई यार, मेरा गन भी उधर गिर गया गन। अरे गन उठा यार, हाँ तो गन इसके हाथ में आ गया। सो बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे बंदे, तो हम लोगों को जल्दी से इन्हें मारना होगा। पीछे से कवर भी देने के लिए आ गए कुछ मेरे, क्या बोलते, बॉडी गार्ड्स। तो जाओ भाई, तुम लोग भी आगे जाओ, मैं पीछे से मारता हूँ। सो जल्दी जाओ यार। हाँ तो बाकी ये लोग बीच में आ रहे, इन्हें भी गोली ज़रूर लगेगी एक नए। सो हम लोग यहाँ जल्दी जल्दी उन्हें मार तो रहे हैं यार, इसकी भैंस की, मार 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 भाई मार। लगता है कि आज मेरे बॉडीगार्ड्स अंधे हैं, क्योंकि देख रहा है कि मैं फायर कर रहा हूँ पीछे से, फिर भी वो लोग आगे में आके खड़े हो जा रहे थे। जल्दी ये लोग मरेंगे मुझे लग रहा है। सो बाकी हम लोग आगे बढ़ते और इन्हें जल्दी से फिनिश करते हैं। सो गाइस, बाकी ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा बंदे हैं, तो यहाँ पे एक लास्ट अभी था, लेकिन फिर से और एक आ गया, तो हम लोग जल्दी से इन्हें मारते हैं। और बाकी मेरे बॉडीगार्ड्स भी आगे आगे चल रहे हैं, तो ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा मस्त मतलब हेल्प कर रहे हैं मेरी। सो बाकी यहाँ पे गाइस फुल चौड़ में एकदम इमोट दिखाते हैं हम लोग। सो गाइस, इसका डांस भी ख़तरनाक था इतने बंदों को ख़त्म करने के बाद। सो बाकी हम लोग चलते हैं आगे इधर जल्दी जल्दी से, एकदम बिल्कुल भी टाइम नहीं हमारे पास। और गाइस यहाँ पे और भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लाइट को तो मार नहीं सकते, तो वहाँ पे फायर करके कोई फ़ायदा नहीं था। बाकी गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने सारे एकदम एलियंस आ गए हैं। सो हम लोगों को इनसे भी बच के थोड़ा फायर वायर करना होगा, इन्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि गाइस अचानक ये लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही सारे आ गए एक साथ। सो बाकी पीछे से भी कवर फायर मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग इन्हें मार सकते हैं। सो गाइस इतना जल्दी इतना सारा मतलब मर भी गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सो हम लोग जल्दी से आगे आगे चलते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। और गाइस यहाँ पे लगता है हम लोग का एलियन से, नहीं नहीं एलियन तो नहीं है यहाँ पे। बाकी गाइस यहाँ पे उसका स्पेसशिप आप लोग देख सकते हो। सो गाइस हम लोग को कुछ तो करना पड़ेगा, इतने सारे स्पेसशिप्स भी उड़ रहे छोटे छोटे उसके। सो बाकी हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडी हो चुका है हम लोग का हथियार। सो हम लोग जल्दी से दौड़ते दौड़ते एकदम चलते हैं एकदम हीरो की तरह, और यहाँ पे एकदम फुल थग लाइफ से जंप करके एकदम। सो गाइस अब हम लोग को डिस्ट्रॉय करना है एलियंस को। सो गाइस यहाँ पे मैं बड़े वाले स्पेसशिप को फोड़ने लगा था, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना था। बगल में जो छोटे छोटे स्पेसशिप्स आ रहे थे, हमें उन्हें तोड़ना था। सो हम लोग वही करते हैं। और गाइस यहाँ पे मतलब ठीक से एम ही नहीं जा रहा था, पता नहीं गाइस क्या हो गया था। सो बाकी हम लोग जल्दी से मतलब अच्छे से इन्हें मारते हैं, देखते हैं किधर से आ रहे हैं वो लोग। सो हाँ गाइस ये जिस पे रेड रेड मार्क आ रहा है, हम लोग को उसे मारना था। हम लोग जल्दी जल्दी मारते हैं उन्हें। सो ले यार, तू भी ले हाँ। सो ये तो मरा। सो बाकी बहुत सारे हैं गाइस, हम लोग इसे मारते हैं सबसे पहले। सो गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदा सीन हो चुका, आप लोग देख सकते हो। लेकिन गाइस हम लोग प्रेसिडेंट हैं, हम लोगों को तो अपना जान जोखिम में डाल के अपनी कंट्री को बचाना ही पड़ेगा। सो इसलिए हम लोग जो है बिल्कुल एंड तक फाइट करेंगे, देखते हैं क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। सो जल्दी जल्दी हम लोग सबको मारते हैं। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेसशिप्स है, और ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और आते ही जा रहे हैं। सो गाइस एक बंदा नीचे से गिरा, उसे भी हम लोग नहीं छोड़ रहे थे, क्या बोले। सो बाकी यहाँ पे एक स्पेसशिप भाग रहा है, तो लगता है ये लास्ट है। नहीं, और भी हाँ ये लास्ट है, तो हम लोग इसे जल्दी से डिस्ट्रॉय करते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा एमो ले रहा है यार, पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है चलो एंड में सब कुछ होएंगे। हाँ सो गाइस हम लोग फाइनली सब को ख़त्म कर चुके, बाकी मेन स्पेसशिप सिर्फ बचा हुआ है, और ये इधर ही गिर रहा है, तो हम लोग जल्दी से यहाँ से भागते हैं। और ये नीचे तो गिर चुका है, हम लोग के ऊपर नहीं गिरा था, हम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं। तो बाकी हम लोग उस स्पेसशिप के पास जाते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। सो जल्दी से दौड़ते दौड़ते चलते हैं एकदम। अरे भाई भाई भाई, अरे यार चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। यहाँ तो गलत ही सीन हो गया यार, हमारे साथ ही स्कैम हो गया। हम लोग सोचे थे कि कोई होगा तो मारेंगे, यहाँ पे तो मेन विलन ही था। सो बाकी गाइस यहाँ पे और ही भाई सब, लगता फाइट होने वाली है।
हम लोग चलते हैं इसके ऊपर अब। अरे यार खतरनाक फाइट, खतरनाक फाइट। मार यार, मार मार मार, यू कैन डू इट ब्रो, यू कैन डू इट। हम लोग जल्दी जल्दी से एकदम पंच पे पंच इसे मारते हैं। और गाइस ये इसने तो हमें ही पकड़ के फेंक दिया। बाकी गाइस यहाँ पे हम लोग देखते हैं और क्या कर सकते हैं, हम लोग को तो मारना ही है इसे। एकदम इसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा उतना। अरे भाई साहब फुल चैलेंज। अरे ये गलती हो गया, गलती हो गया। अरे भाई ये तो डर के भाग गया लगता। अरे 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 एक नंबर का हुस्दिल है यार, पीछे से वार करता है। अरे भाई इसके पास तो सुपर पावर्स भी है। अरे भाई सब खतरनाक विलन है ये तो, इसे हराने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। हम लोग इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये छोड़ ही नहीं रहा यार। अरे भाई भाई इधर से उधर, इधर से उधर फेंकता जा रहा है। ये तो वेकना लग रहा है यार, वेकना। जिसने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा होगा उन्हें पता होगा। गाइज ये विलन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। गाइज इससे फाइट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। गाइज यहाँ पे ये मिशन तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।